वेलकम टू गुरुवरिया अकेडमी, लर्न एवरीथिंग इन सिंपल वे। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन गाइड्स। सभी बच्चों का गुरुवरिया एकेडमी में फिर से तहे दिल से स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हिंदी, और हिंदी का हमें देखना है सेकंड चैप्टर, वारिस कौन। तो इस चैप्टर का हमें सभी क्वेश्चन आंसर्स हमें देखने हैं, सभी स्वाध्याय हमें पूरा खत्म करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृति करो। उत्तर लिखो, गेहूँ के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। तो यहाँ पे हमें ये जो उत्तर है हमें वहाँ पे बॉक्सेस में लिखना है। तो चलो पहले आप क्या लिखोगे, बड़ी बहन ने गेहूँ के दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया, चौथी लड़की ने दानों को भुनकर खा डाला, और तीसरी बहन ने दानों को कमरे की खिड़की के पिछले ज़मीन में बो दिया, और लास्ट है दूसरी लड़की ने उन दानों को चांदी के डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके संदूकी में डाल दिया। तो यह था उत्तर लिखो, मतलब ये सूची पूरा करना था हमें, और यहाँ पे कृति पूरा करो जैसा क्वेश्चन हमें दिया होता है उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन था बच्चों। आप इस तरीके से ये चार आंसर उसके आप लिख सकते हो। तब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। तो यहाँ पे उचित घटनाक्रम लगाना है कि कौन सी घटना फर्स्ट हुई थी, उसके बाद अगली घटना कब हुई थी। तो ये हमें दिए हैं चार सेंटेंसेस जो पाठ्यक्रम में हमने पढ़े थे। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो यहाँ पे हमें ऐसे निम्न घटनाक्रम को फिर से हमें लिखना है। उचित घटनाक्रम मतलब पहले क्या हुआ था। तो चलो हम लिखते हैं, उसका आंसर होगा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। सभी के उत्तर से राजा बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तो जो ये था उचित घटनाक्रम, हमने उसे उचित घटनाक्रम में लगा दिया है। आप इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा हमारा सवाल है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में हमें एक वर्ड चुनना है। ज़रूर इसके पीछे कोई उद्देश्य, हेतु और मकसद। तो इसका आंसर होगा बच्चों मकसद। ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, हम ऐसे ही कहते हैं, तो इसका आंसर मकसद होगा। तो अगला हमारा जो सवाल है, सो मैं उन्हें डैश डैश खा गई, भिगोकर, भुनवाकर यानी पकाकर। यहाँ पे आंसर होगा भुनवाकर, सही है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। इसी तरीके से अगला सवाल है, तुम ही मेरे राज की सच्ची डैश डैश हो, रानी, युवराज्ञी और उत्तराधिकारी। तो तुम ही मेरे राज्य की सच्ची मतलब उत्तराधिकारी हो। तो मित्रों अगला है क्वेश्चन हमारा, इसे तुम अपने पास रखो, डैश डैश साल बाद मैं उन्हें मांगूंगा। 4 साल, 7 साल और 5 साल। हमें जितना पता है हमने ये चैप्टर देखा था, तो राजा ने 5 साल के बाद ही मांगा था, तो इसका आंसर भी होगा 5 साल। इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। तो मित्रों अगला है परिणाम लिखो, अगला सवाल, और ये यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये यहाँ पे ख़त्म होता है। परिणाम लिखना है कि क्या हुआ था। गेहूँ के दानों को बोने का परिणाम क्या हुआ था, आपको सभी को पता है, हमने चैप्टर देखा था। गेहूँ के दानों को बोने के बाद समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए और बहुत सारे दाने निकले। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, सभी के उत्तर सुनकर राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम, तो यहाँ पे उनका परिणाम हमें भी पता है क्या हुआ था। दूसरी राजकुमारी का संदूकी में दाने रखने का पर दो दाने सड़ गए थे, मतलब वो ख़राब हो चुके थे, क्योंकि 5 साल एक डब्बी में कैसे रहेंगे। तो बच्चों अगला है हमारा, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। जब राजा ने पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछा कि आपने क्या किया,
तो देखिए उनका पहले राजकुमारी को कड़क कर पूछने पर उसने सच्ची बात बता दी, यही वहाँ पे एक परिणाम हो चुका था। तो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिए क्वेश्चन आंसर्स, जो वारिस कौन इस चैप्टर के सभी स्वाध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है। और तो बच्चों यहाँ पे हम रुकने के पहले आपसे यही एक विनती करूँगा, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम अगले वीडियोस जब डालेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और रहेगा सवाल, आपको कोई दिक्कत होगी इस चैप्टर से रिलेटेड या अदर एनी सब्जेक्ट्स के, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। या फिर इस चैप्टर के या इसी सब्जेक्ट के अदर सब्जेक्ट के वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स में आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे और आपकी हेल्प होगी। तो बच्चों यहाँ पर रुकते हैं और तब तक के लिए शुक्रिया बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर लगेच सबस्क्राइब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील। आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या। थँक्यू एवरीवन।